हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, बट हो सकता है ये वीडियो कितने बजे आएगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के टाइम, क्योंकि अर्जेंट में मुझे पता चला कि कल मुझे कहीं जाना है, कहीं जाना है मतलब मुंबई में अचानक में मुझे जाना है किसी काम से, इसीलिए मैंने सोचा कि आपका एक दिन ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गाइस, आपको सभी कंटेंट मैं दे दूंगा, मैं अभी लाइव में ही आपके साथ रहूंगा, क्योंकि ये जो प्रीमियर लगाया जाएगा तो प्रीमियर नीचे आपको ऑप्शन, नीचे आपको चैट चलता रहेगा, तो आप अपना आंसर उसी हिसाब से दे सकते हो, ऐसा समझ लो कि आपके पीजी सर आपके साथ है। सो गाइस, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अभी तो मैं हूं नहीं आपके सामने, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके उतना दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है मतलब हमारा सीटी का प्रिपरेशन चल रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो लेसन नंबर 7, लेंसेस। इसके पहले हमारे 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके नोट्स आपको मिल चुका है। ओके, और जिन बच्चों, जो बच्चे अभी हमसे ज्वाइंट हो रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद उसमें एक मैसेज भी, क्योंकि उसमें ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो मैसेज भी कर सकते हैं कि सर अभी जस्ट हम अभी ज्वाइन हुए हैं, तो प्लीज हमें पीछे की चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? आप कर सकते नहीं, हक से मांगेंगे, आप सभी को मिलेगा, या तो लोअर थ्रेड पे जो नंबर चल रहा है उस पे आप कॉल करो या मैसेज करो, तो भी चीजें पूरी मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं लेंसेस। जो फर्स्ट पार्ट है, जो चीजें आपको याद रखनी है, मैंने बताया कि सीईटी में पूरे चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ टॉपिक को आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो आपका आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा गाइस। सो एक मिनट में पहले पेन ले लूं गाइस, और वीडियो को शेयर करते रहना, पहले बता रहा, वीडियो शेयर होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ओके, सो जो फर्स्ट पॉइंट है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। सही बात है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और लेंस अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास कैसे होती, और वो कितने सरफेस से बनती है? टू सरफेस से बनती है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। और द लेंस विच हैज टू स्पेरिकल सरफेस विच आर पम्प्ड अप आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। अगर ऐसा ऐसा समझ के चलो, जिसका सिरा, अरे ऐसा बनाते हैं हम, चलो एक मिनट हम इसको इरेज कर देते हैं, और लाइक होना चाहिए गाइस, ऐसा समझ के चलो आपके पीजी सर आपके साथ में है, ऐसा। ओके, मतलब अगर आउटवर्ड उठा हुआ है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से है, तो ऐसे लेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेस बोलते हैं। क्या लेंसेस बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेस या डबल, ये डबल कॉन्वेक्स लेंसेस, तो कॉन्वेक्स लेंसेस या डबल कॉन्वेक्स लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंसेस या डबल कॉन्वेक्स लेंसेस। द लेंसेस इज थिकर नियर द सेंटर, सेंटर पे एक ऐसा होता है थिकर होता है, सेंटर पे एक ऐसा होता है थिकर होता है, और किसके कंपैरिजन में? एजेस के कंपैरिजन। अगर एज के कंपैरिजन में देखिए तो सेंटर पे कैसा होता है? थिकर होता है, तो आपको पता चले किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। द लेंस विच बोथ सरफेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। द लेंस विथ बोथ सरफेस स्पेरिकल ऑन इनसाइड, ओके, अब अगर ये सरफेस ऐसा है, मान लो ऐसा कोई लेंस है, ऐसा लेंस है, तो उस लेंस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उस लेंस को हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? कॉनकेव या तो डबल कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस। अगर ऐसा है, ऐसा है आउटवर्ड उठा हुआ है, तो होगा हमारा कॉन्वेक्स, बट अगर ऐसा है ओके, तो हमारे लिए डबल कॉनकेव लेंस या कॉनकेव लेंस, याद रखना ओके। और इसमें फर्क क्या है? द लेंस इज थिनर, थिनर एट द सेंटर, थिनर एट द सेंटर कंपेयर टू एज। एज पे देखो थिक है, एज पे देखो, चलो मैं ऐसा बना दू, ये वाला डबल कॉनकेव लेंस बना दिया। अब देखोगे एज जो सेंटर पे है, सेंटर पे थीन है, सेंटर पे कैसा थीन है मतलब पतला है, किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? ये एजेस के कंपैरिजन में। मतलब लेंस विद द लेंस इज थिनर एट द सेंटर कंपेयर टू एज, तो सेंटर पे क्या है, थोड़ा पतला है, और किसके कंपैरिजन में? एजेस के कंपैरिजन में। तो ये चीजें मैंने बता दी। अब चलो इससे रिलेटेड हम छोटे से एमसीक्यूज, एमसीक्यूज का आंसर आप मैं चेक कर रहा हूं, मैं आपके साथ ही हूं, समझ लो मैं आपके पीजी सर आपके साथ में है,
लेंस विच हैज टू स्पेरिकल सरफेस विच आर पम्प्ड अपवर्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स और डैश। ओके जल्दी यहां मैं ड्रॉ करके आपको फिर से दे देता हूं, फिर से आपके लिए हम ड्रॉ कर देते हैं। ऐसा है मतलब से बाहर की तरफ उठा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो फटाफट बड़ा आंसर आना चाहिए, आप सभी का आंसर आना चाहिए, आपके पीछे सिर्फ देख रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए जल्दी। क्या बात है, आंसर आप दे रहे हो। सो गाइस कॉन्वेक्स एंड डबल, तो आपका आंसर है डबल कॉन्वेक्स लेंस, गुड। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंस विद बोथ सर्फेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड कॉनकेव, और अब अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ऐसा है, ऐसा या तो ये डबल, तो ये कौन सा हो गया? चलो फटाफट आंसर दो जल्दी, हम देखते हैं कॉनकेव और डबल कॉनकेव, तो आंसर दे दिया आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना। सेंटर ऑफ स्पीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेंस, बस याद रखना या क्या चीज याद रखना है कि अगर किस सेंटर की बात कर रहे हैं, किस सेंटर की बात हो रही है, अगर सेंटर ऑफ स्पीयर की बात हो रही है उसे हम बोल, सेंटर ऑफ स्पीयर की बात हो रही है तो उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ओके मेरी बात याद रखना, अगर सेंटर ऑफ स्पीयर मतलब कहने का मतलब ये लेंस जिस स्पीयर से बना है, ये लेंस जिस स्पीयर से बना है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस बोलते हैं, याद रखना। ये जो हमारा लेंस, जो लेंस हम यूज करते हैं वो लेंस किसी ना किसी एक स्पीयर से बना होगा। ओके किसी ना किसी एक स्पीयर से बना होगा तो उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। द सेंटर ऑफ स्पीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ स्पीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। इसमें हिंट पॉइंट यही है, सेंटर ऑफ स्पीयर दिया हुआ है तो समझ लेना वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ओके सेंटर ऑफ स्पीयर दिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, बस ज्यादा रट्टा नहीं मारना, पॉइंट्स को बस क्लिक करके समझते जाना है। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ओके सिंपल सी लाइन है, आप ज्यादा इस पर आपको फोकस नहीं करना, ये जो बीच की लाइन पास हो रही है ना दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये वाली दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये जो लाइन पास हो रही है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। अब आगे चलते हैं, अभी देखो हमने ये सेंटर ऑफ स्पीयर था, स्पीयर का सेंटर था जिससे ये लेंस बना हुआ है, स्पीयर किसका, सेंटर का, जिससे ये लेंस बना हुआ है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब बात आ रही है, ये तो उस पियर की बात हो रही है जिससे ये लेंस बना हुआ है, उस पियर से की बात हो रही है जिससे ये लेंस बना हुआ है, बट लेंस का भी तो कुछ तो सेंटर होगा, लेंस का भी तो कुछ तो सेंटर होगा, तो यहां ये सेंटर यही होता है, ये वाला सेंटर, और इस सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया हो आप बस इस तरह से याद रखते हो, रख सकते हो खुद के लिए अगर खुद को समझना है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस का सेंटर। जैसे स्पीयर का सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्पीयर कौन सा स्पीयर, जिससे ये लेंस बना हुआ है, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। बट दोस्तों यहां बात किसकी चल रही है, यहां बात चल रही है ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द लेंस, जो लेंस हमने बनाया है स्पीयर से उस लेंस का सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। बट बुक में जिस तरह से डेफिनेशन दिया है मैं उसकी बात करूंगा। द पॉइंट इनसाइड द लेंस मतलब इस लेंस के अंदर एक पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, थ्रू विच लाइट रे पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। अब देखो ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब मैंने फिर से बताया, खुद के समझने के लिए समझ सकते हो, सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द लेंस। पर बुक में जिस तरह से दिया उस तरह से मैं बताऊंगा, उसी तरह से एमसीक्यूज आने वाला है। द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेस पासेस विदाउट चेंज देयर पाथ। देखो लाइट इस पे से पास हो रहा है
और जब भी लाइट इस पे से पास होगा तो अपने पाथ को चेंज नहीं करता, इसी पे से पास हो जाता है। जब कभी भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर पे से पास हो रहा है तो लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता और इसी पे से पास हो जाता है। और ऐसी चीज जहां से लाइट उस पे से आके उसी पे से पास हो जाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। पर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है मैंने बता दिया, लेंस का सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। एक बार और, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहाँ है मुझे बताओ, पॉइंट है इनसाइड द लेंस, इनसाइड द लेंस ऑन अ प्रिंसिपल, ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो दोनों सेंटर पे से गई है और इस पे से लाइट पास होगा विदाउट अपने पाथ को चेंज किए। ये एक रूल भी है कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे से पास होगी तो अपने आप को चेंज नहीं करेगी। जैसे हमने पीछे नाइन्थ में हमने आपको पता होगा मिरर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी थी। अगर उस सबको आप लोगों को मिरर वाला याद होगा तो ये चीज आपके लिए सिंपल हो जाएगी। अब दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। पहले मैं इसको आराम से रफ कर लू। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। और ध्यान दो, अभी इस पे फोकस दिया नहीं है पर समझ लो, चलो मैं बता देता हूं। जहां आके सभी सभी लाइट एक साथ क्या होगा, कॉन्वर्ज होगा। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस वी कॉल्ड एज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस वी कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। तो तीनों चीज हो गई। एक बार और याद करवाऊंगा मैं, सेंटर ऑफ स्पीयर मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ओके, और जो लाइन इमेजिनरी लाइन पास किया जाता है दोनों सेंटर से होता हुआ, वो लाइन जो लाइन पास किया जाता है वो होता है मेरे लिए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ओके, और मैंने ऑप्टिकल सेंटर के बारे में आपको बताया हुआ है कि ऑप्टिकल सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस। पर इसके लिए डेफिनेशन जो जिस तरह बुक में दिया हुआ है, द पॉइंट इन साइड द लेंस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रे पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। जब इस पे से पास होता तो अपने पाथ को चेंज नहीं करता। और लास्ट जो है आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो गाइज ये हो गया। अब इससे रिलेटेड हम देख लेते फटाफट एमसीक्यूज। सेंटर ऑफ स्पीयर आ गया, सेंटर ऑफ स्पीयर हुज पार्ट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेंस आर कॉल्ड ऑफ अ कर्वेचर ऑफ लेंस। बताओ अभी फटाफट बताओ मुझे जल्दी। तो आंसर देना आपने स्टार्ट कर दिया। और प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो, 100 लाइक होना चाहिए। पीजी सर आपके देख रहे हैं, आपके साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, 100 लाइक तो होना चाहिए कम से कम। और हर दोस्तों हर स्टेटस पर जितने सोशल मीडिया पे आप रख सकते हो प्लीज रखो, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें सपोर्ट करो, हम हार्डवर्क करेंगे आपके लिए। वीडियो देखो आपका एक दिन ना चला जाए इसलिए आपके लिए मैं वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इतना ज्यादा क्या बोलूं मैं। तो अभी क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब आगे बढ़ते हैं, द पॉइंट इन साइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रे पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट पहले आंसर दो हम देख रहे हैं, जल्दी फटाफट फटाफट आंसर दो हम देख रहे हैं, जल्दी 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 फटाफट आंसर दो जल्दी। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो गाइज ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। मैंने बताया था ना, ये पॉइंट किसके बीच का, लेंस के बीच का, और ये पॉइंट कहाँ रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे से। और इस पे से अगर कोई भी, अरे इधर बना गया, ये मान लो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट कहाँ है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। और इस पे से कोई भी लाइन अगर पास होती है तो विदाउट अपने पाथ को चेंज किए सीधे ही चली जाएगी। ओके, तो हमारा है ऑप्टिकल सेंटर। अब बढ़ते हैं आगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फोकल लेंथ। क्या बात है, क्या बात है। अभी मैंने बता दिया आंसर, चलो चलो आप फटाफट फटाफट फिर भी बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग बताते हैं, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। ओ क्या बात है, फोकल लेंथ। अब बढ़ते हैं,
अब थ्री रूल है गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। वेर इंसिडेंट रे, ये मतलब इंसिडेंट रे मतलब आने वाली लाइट, वेन इंसिडेंट रे पैरेलल पैरेलल टू, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बार बार बता रहे प्रिंसिपल एक्सिस है, और आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं। जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, उस टाइम जो रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड मतलब पता लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, ओके, और बैंड हो जाती है, ऐसे लाइट को रिफ्रैक्ट बोलते हैं। अब याद रखना रिफ्रैक्ट, ये रिफ्लेक्शन मत लिखना, रिफ्रैक्ट लिखना, ओके। तो व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस, ओके। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो जो लाइट दूसरी मीडियम में जाने वाली वो कहां से पास होगी, वो फोकस पे से पास होगी, याद रखना। जब इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है देन रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ओके, तो ये याद रखना। देन दूसरा रूल, व्हेन इंसिडेंट रे, आप देखो अगर अगर स्ट्रेट आ रहा है तो मुड़ जाएगा, और मुड़ा हुआ आ रहा है तो स्ट्रेट हो जाएगा, बस यही याद रखो, ये याद रखो ना लॉजिक, तो अपने आप चीजें पता चल जाएगी। अगर स्ट्रेट आ रहा है तो मुड़ जाएगा, मुड़ेगा कहां, फोकस पे से, और अगर मुड़ा हुआ है तो सीधे चला जाएगा, तो ये समझ लो, तो ये तो मुड़ा ही है। तो व्हेन इंसिडेंट रे आने वाली लाइट, देखो आने वाली लाइट ऐसा, व्हेन आने वाली लाइट बोलने जा रहा था, व्हेन आने वाली लाइट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया। अगर टेढ़ी आ रही है तो सीधी चली जाएगी, ओके। और ये वाला पॉइंट तो हमने ऑलरेडी अभी देखा था कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर पे से ही क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। When the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction. अभी हमने देखा था कि अगर incident ray कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे से पास हो रही है, तो कहीं अपने डायरेक्शन को चेंज किए बिना वो उसी वही आगे बढ़ जाएगी। ये हमारे तीन रूल हो गए, अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड। When incident ray is parallel to the, किसको parallel होगा, चलो बताओ incident ray किसको parallel होगा, आने वाली लाइट किसको पैरेलल होगी, डायग्राम भी ऐसी रफली ड्रॉ कर रहा हूं तो समझ लेना भाई, हमारे दिल की भावनाओं को समझना, वैसे हमने डायग्राम आपको बना के दिया हुआ है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे कहां पास हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से, ओके। तो बताओ व्हेन अ इंसिडेंट रे पैरेलल टू दी, अरे मैं तो बता तो चुकाऊंगा आंसर, फिर भी देखना चाहता हूं मैं कितने स्टूडेंट बोलते हैं फटाफट बताओ मुझे। व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू दी, क्या बात है, प्रिंसिपल हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस पे से पास हुआ है, द रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे कैसे हो जाएगा, चलो फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, आपके पीजी सर को फटाफट आंसर चाहिए, क्या बात है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वाह वाह। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द फॉर्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यू एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी एंड द फोकल एंड एफ इज कॉल्ड द लेंस ऑफ अ फॉर्मूला। और मैं आपके लिए कुछ छोड़ के जाता हूं, या लेंस फॉर्मूला का एक फॉर्मूला है जो आप सभी को लिखना है आज, बहुत सिंपल, आपने मिरर में पढ़ा था तो लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है आप सभी को कमेंट्स में लिखना है। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा मुझे लेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला लिख के दिखाना है आपको, और ये किसके बीच में रिलेशन होता है, यू वी एंड एफ के बीच में रिलेशन होता है। तो आप सभी को मैं एक चीज छोड़ के, जैसे ही ये लाइव चैट खत्म होगा मैं देखूंगा कि कमेंट्स में कितने बच्चों ने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ, लेंस फॉर्मूला जो रिलेशन होता है, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी मतलब इमेज से डिस्टेंस, ओके, एफ मतलब फोकल लेंथ। तो
और ये इसी को इसी इन्हीं के बीच में जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? लेंस फॉर्मूला। पर लेंस फॉर्मूला आप सभी को लिखना है, ये इस बार मैंने जानबूझ के छोड़ा है, ये कुछ चीज़ें मैं आपको कमेंट्स में दूँ लिखने के लिए, आपको मैं देखूँ कितने बच्चों का फोकस था, नहीं तो हमेशा सब चीज़ें मैं बता देता हूँ तो कमेंट्स में कुछ चीज़ें आप लिखते नहीं हो। द फॉर्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी एंड द फोकल लेंथ इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? देखो, देख लो, देख लो, अब बताओ फटाफट क्या बोलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट बताते हैं, कितने स्टूडेंट बताते हैं। ओ, 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 बता रहे हैं, क्या बात है। चलो चलो, हम देख रहे हैं, पीजी सर आपके देख रहे हैं। लेंस फॉर्मूला, अ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। देखो, हर लेंस का, हर लेंस की एक कैपेसिटी होती है इंसिडेंट रे को कॉन्वर्ज करके, कॉन्वर्ज करने की एंड डाइवर्ज करने की। कॉन्वर्ज करना मतलब इकट्ठा करने की, ओके, और एक दूसरा डाइवर्ज करना मतलब लाइट आके वापस चले जाना, ओके, डाइवर्ज हो जाना। तो हर हर लेंस की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर लेंस की कैपेसिटी अलग अलग होती है, और इसी को उसका पावर बोला जाता है। कि अब लेंस का तो एक लेंस का तो काम यही होता है, या तो कॉन्वर्ज करो या तो डाइवर्ज कर दो, या तो कॉन्वर्ज करो या डाइवर्ज करो। तो कॉन्वर्ज या डाइवर्ज, जिसकी जिस तरह की कैपेसिटी है उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर। सही बात है, जिसकी जैसी, जैसे आपके पास ज्यादा कैपेसिटी होगी, आपके पास ज्यादा पावर होगा, तो पीजी सर के सब्सक्राइबर नंबर और सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो भी आप ज्यादा करोगे, मेरे लिए यहाँ लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि आप पीजी सर से बच्चे बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू, समझते हैं, यहाँ लॉ थोड़ा गलत है। पर यहाँ कैपेसिटी, किसी भी लेंस की जो कैपेसिटी होती है कॉन्वर्ज करना एंड डाइवर्ज करना, इंसिडेंट रे को, जो आने वाली लाइट है, आने वाली लाइट को या तो एक जगह कॉन्वर्ज कर देना या तो डाइवर्ज कर देना, इसी को हम उस लेंस का क्या बोलेंगे? पावर। एंड द पावर डिनोटेड बाय पी, पी मीन्स पी जी, पी मतलब पावर। द पावर ऑफ लेंस डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ, और वो किस पे डिपेंड होता है? फोकल लेंथ। लेंथ हमने देख लिया किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, एफ इज एक्सप्रेस इन मीटर। अगर मैं पावर को इनवर्स करूं, तो क्या बन जाएगा? फोकल लेंथ। क्या बन जाएगा? फोकल लेंथ। तो ऐसा बोल सकते, फोकल लेंथ इज द इनवर्स ऑफ पावर, या तो पावर का बनाना है, तो पावर इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ओके दोस्तों, कभी कभी इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल आता है। चलो मैं ये न्यूमेरिकल भी आपको बता देता हूँ, कभी कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, कि इफ इफ पी इक्वल टू, मीन्स पावर इक्वल टू, पावर पावर अपने को 20 दिया हुआ, ओके 20 डायोप्टर दिया हुआ है, देन एफ कितना होगा? देन एफ कितना होगा? पावर, फोकल लेंथ कितना होगा? तो मुझे इसका आंसर चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको पहले ही पता है, पहले ये पता है कि फोकल लेंथ इट इज द इनवर्स ऑफ पावर ऑफ लेंस, उसको उल्टा कर दो तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1/20। क्या हो जाएगा? 1/20। और इन केस ये 20 दिया तो पावर कितना हो जाएगा? 1/20, बस उसको उल्टा कर दो। और f इज एक्सप्रेस इन ए मीटर, f मतलब फोकल लेंथ है, तो लेंथ को किसमें एक्सप्रेस करेंगे? मीटर में। द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इट्स क्या बोलेंगे इसको? द प्रॉपर कॉन्वर्ज करना एंड डाइवर्ज करना, उसकी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? फटाफट फटाफट गाइस, चाहिए जल्दी 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 जल्दी। अगर आपके पीजी सर आपके लिए रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात को बता भी नहीं सकते कितना बज रहा है, तो यहाँ हम आए क्योंकि हमें अचानक में कुछ काम था, तो हमने बोला कि भाई अब बच्चों का लेट नहीं होना चाहिए, आज बच्चों का एक लेक्चर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम आज थोड़ा मुंबई जा रहे हैं अचानक से कुछ काम से, इसीलिए। तो क्या बात है, आपने लिख दिया पावर। और बच्चों शेयर करो फटाफट फटाफट, आज तो शेयर बनता है, आज तो शेयर बनता है, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। और यहाँ हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और इतना ही चीज़ आने वाला है आपको, और एक चीज़ और आएगा जो मैं आपको छोड़ गया, वैसे मैंने बीच में बोला है, मुझे बताओ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? मैंने वैसे बताया है, पर देखना चाहते कितने स्टूडेंट समझ सकते हैं और बता चुके रहते हैं। तो दो चीज़ें कमेंट्स में लिखनी है, पहले लेंस फॉर्मूला,
देन लेंस फॉर्मूला के बाद जैसे ही लाइव चैट खत्म होगा आपको कमेंट्स में लिखना है, लाइव चैट में नहीं लिखना है, मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट ने आंसर दिया हुआ है, और लिख के पीजी सर के लिए भी एक लाइन लिखना, पीजी सर के लिए भी एक लाइन लिखना। तो यूनिट किसका, यूनिट पावर ऑफ लेंस का यूनिट लिखना है और लेंस फॉर्मूला लिखना है, लेंस फॉर्मूला। ओके, सो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में आपके साथ थोड़ी बातें होगी। सो बाय बाय, अपना ध्यान रखो गाइज, एंड क्योंकि कोरोना चल ही रहा है थोड़ा बहुत, तो आप उस पर ध्यान रखो और स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, अच्छे खासे स्कोर आएंगे सीईटी में। बाय बाय एंड टेक केयर।